Hello everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Now we will do the next exercise of chapter 10 air around us. Iski aaj hum next exercise karenge. Answer in one word. So let's start. WHAT what? IS is THE the CHANGE change of WATER water. VAPOUR vapor into WATER water on COLLING cooling is called. What is the change of water? किसका change? Water का change. किसमें? Vapor. What is the change of water vapor? Means gas का change होना into water. जो gas water में change होती है on cooling. Cooling होने पर उसे हम क्या कहते हैं? Is called dash. So से हम क्या कहते हैं? Condensation. किसको बोलते हैं? Water vapor का water में change होना by cooling. Cooling होने के द्वारा. Cooling होने के बाद जो change होता है water में उसे हम क्या कहते हैं? Condensation. C O N D E N S A T I O N. Condensation. Now next question. N A M E name. O N E one. POISONOUS poisonous gas. Name one poisonous gas. Poisonous मतलब क्या होता है? जहरीली गैस. एक गैस का नाम बताना है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. वो कौन सी गैस है? मीथेन. और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कोई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? मीथेन. M E T H A N E. Now next question. H O W how can W E B R E D U C E reduce air P O L L U T I O N pollution. How can we reduce air pollution? हम air pollution को कैसे reduce कर सकते हैं? Reduce मतलब कम करना. Reduce मतलब क्या होता है? कम करना. Air pollution को कैसे कम कर सकते हैं हम? By planting P L A N T I N G planting M O R E more T R E E S trees by planting more trees. बहुत सारे plant लगाकर trees plant करने के बाद हम pollution को reduce कर सकते हैं. कैसे? जो trees होते हैं वो air को clean करते हैं. Trees में कौन सी gas होती है? Oxygen. Oxygen छोड़ते हैं ना वो, उससे हमें oxygen मिलती है. Oxygen जो होती है वो हमारे health के लिए बहुत अच्छी होती है ना. तो बहुत सारे planting कर trees plant करेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन कम होगा. कौन सा पोल्यूशन कम होगा? एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन किससे होता है? हमने पढ़ा था ना लेसन में, फैक्ट्रीज का जो स्मोक है, धुआं है, व्हीकल्स का जो धुआं है, ये सब क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं. डस्ट पार्टिकल जो बहुत तेज विंड आती है तो उसमें बहुत सारी डस्ट आती है. तो डस्ट में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो सब एयर में मिक्स हो जाते हैं. तो बहुत सारे ट्रीज लगाकर हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ए एम ई नेम वन यूजफुल गैस. एक यूजफुल गैस का नेम देना. अभी तो हमने पॉइजनस गैस का नेम दिया, अब किसका नेम देना? यूजफुल, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो. वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. ओ एक्स वाई जी ई एन. ऑक्सीजन क्या है? हमारे लिए यूजफुल है. नाइट्रोजन टू, वो भी हमारे लिए यूजफुल है. डब्ल्यू एच ए टी व्हाट इज द पी आर ओ सी ई डबल एस प्रोसेस बाय डब्ल्यू HICH which water changes into water vapor is called. अब इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो. इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. अब इसमें क्या पूछा है? वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है उसे हम एवापोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एवापोरेशन. ई वी ए पी ओ आर ए टी आई ओ एन एवापोरेशन. और वाटर वेपर जो वाटर में चेंज होता है उसे कंडेंसेशन. ठीक है, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन. नाउ नेक्स्ट. डब्ल्यू एच ए टी व्हाट D O E S dust, D U S T dust, P A R T I C L E S particles carry that make us sick. What does dust particles carry that make us sick?
डस्ट पार्टिकल क्या कैरी करते हैं, क्या लेकर आते हैं, जो हमको सिक बना देता है, बीमार कर देता है। तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल में क्या होते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, क्योंकि सारी जगह की डस्ट जो है उड़कर एयर में मिक्स हो जाती है, उसी एयर को हम ब्रीद करते हैं। तो ब्रीदिंग के द्वारा जो है सारे जो डस्ट पार्टिकल है हमारे अंदर चले जाते हैं और वो हमको सिक बना सकते हैं। ओके, सो डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स क्या लेकर आती है, डिजीज एक बीमारी लेके आती है, किसके कारण, जर्म्स के कारण। सारे जर्म्स हमारे अंदर जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। डी आई एस ई ए एस ई डिजीज जी ए यू एस आई एन जी कॉजिंग जी ई आर जर्म्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स। After writing, you have to learn all the possible answers. Okay? So see you in the next lecture. Till then, bye bye.